नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई। आपको बता दें कि राजस्थान नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन है जो जारी किया जाएगा, और इस भर्ती के तहत सफाई कर्मचारी के कुल 24,956 रिक्त पदों को भरा जाएगा, और जिसमें 11,772 नवीनतम पद सर्जित किए गए हैं, और पहले 13,025 पदों पर ही आवेदन फार्म आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन अब इस भर्ती के लिए पद बढ़ाकर 24,956 लगभग 25,000 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप न करें और अंत तक देखें, ताकि आपको सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आई उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही भर्ती से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। जी हाँ साथियों, देखिए 24,956 पदों के लिए प्रैक्टिकल के माध्यम से ये भर्ती होगी, और कुल 24,956 पदों के लिए इस बार इंटरव्यू की बजाय प्रैक्टिकल के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं कि इस बार है जो इंटरव्यू नहीं होगा और प्रैक्टिकल के माध्यम से ये भर्ती की जाएगी। और आपको बता दें कि पूर्व में राज्य सरकार ने 176 नगरी निकायों में 13,184 पदों पर भर्ती निकाली थी, और इसकी निकायवार चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद फिर से पिछले साल 6 अक्टूबर को 187 नगरी निकाय, नगर पालिका और नगर परिषद में 11,772 पदों को और शामिल करते हुए संशोधित पदों की बात करें तो 24,700 पदों पर भर्ती निकाली और प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके आवेदन 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक लिए जाने थे, लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता लगी थी। और आपको बता दें, इंटरव्यू नहीं प्रैक्टिकल पर यह भर्ती होगी। अब 24,956 पदों पर होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती, और कांग्रेस सरकार में उलझी सफाई कर्मचारी की भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। और आपको बता दें कि भर्ती 13,184 पदों पर नहीं होकर 24,956 पदों पर होगी, और इसी माह है जो इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब की भर्ती इंटरव्यू पर नहीं होकर प्रैक्टिकल पर होगी। आवेदन करने वालों में सफाई करवाई जाएगी और प्रैक्टिकल के दौरान सफाई का पैसा दिया जाएगा, और भर्ती को लेकर मंत्री की DLB और UDH अधिकारियों में बैठक हो चुकी है। भर्ती पर AAG के ओपिनियन के लिए फाइल भेजी गई, जहां से पॉजिटिव ओपिनियन आ चुकी। और जी हां साथियों, देखिए सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर स्थिति क्लियर हो चुकी है। फाइल है जो AAG के पास ओपिनियन के लिए भेजी गई है, और यहां से सकारात्मक ओपिनियन आने की उम्मीद है। जैसे ही ओपिनियन आती है तो भर्ती प्रक्रिया है जो शुरू कर दी जाएगी। जी हां साथियों, जल्द ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। तो जानकारी अच्छी लगी, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।